देखिए चुनाव आ रहा है, बैठकें तो लगातार होती रहेगी। बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू से बहुत परेशान है, चाहे श्रमिक मजदूर हो, किसान हो, हमारा छात्र हो, रोजगार मांगने वाला युवा हो, किसान हो, सबकी दिक्कतें हैं। और लोग चाहते हैं कि भाजपा और जेडीयू की सरकार जाए और अच्छा वायबल ऑप्शन जो कांग्रेस और महागठबंधन बन सकता है। हम इन बैठकों के जरिए हमारे नेताओं को प्रखंड और जिले में भेजेंगे। लोग आखिर कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, जमीनी भावनाएं क्या है उनको भी देखेंगे। सिर्फ पावर में आना ही हमारा मकसद नहीं है। बिहार की एक प्रतिष्ठा थी हॉर्टिकल्चर, बागवानी, खेती में 50% का हिस्सा बिहार का हुआ करता था, चाहे चीनी हो, चावल हो, बिहार का एक प्रभुत्व था। वो भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ जेडीयू भाजपा की सरकार ने ख़त्म कर दिया है। हम कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आने वाले दिनों में बिहार के उस गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करें। पर सर, जिस तरह से महागठबंधन में हमेशा तकरार की बात आ रही है, जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं पर उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, दो दो बार कांग्रेस से भी डेट मिला था पर वो भी डेट आज पार हो गया है। देखिए, असल लड़ाई तो एनडीए में चल रही है। एनडीए में बड़ी पार्टी भाजपा है और उसका इतिहास रहा है कि अपने साथी को ज़रूरत होती है तो साथी के पांव पड़ते हैं और ज़रूरत ख़त्म करने पे भाजपा साथियों का पांव नहीं, गला काटती है। महबूबा मुफ्ती जी से लेके शिवसेना तक इतिहास है। और हमारे वहाँ सवाल तो पूछ लिया आपने, हमारे वहाँ काफ़ी दल है, उसमें अगर कोई छोटी मोटी बात होगी तो ये सोच की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, उसको देखते हुए एडजस्टमेंट सब करेंगे और साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन ने कोई फेस नहीं दिया है भैया, फेस भी हो जाएगा और सारे इश्यू सुलझ जाएंगे।